तो दोस्तों आज रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट के बीच आईपीएल का मैच हुआ है। तो इस मैच को रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 18 रनों से जीतकर पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर चला गया है। तो इस मैच का हीरो रहे फाफ डु प्लेसी, लेकिन इसी मैच में दिखाई दिया आरसीबी के सभी खिलाड़ियों को द्वारा एक बेहतरीन डीआरएस। तो उसके बाद केएल राहुल हुए आउट जब 8वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे हर्षल पटेल, और तो आखिरी गेंद राहुल ने खेला और डॉट खेला। तो उसके बाद थोड़ा सा उनका शायद बल्ला महीन सा टच हुआ था गेंद के साथ, तो किसी को पता नहीं चला। तो उसके बाद हर्षल पटेल और ग्लेन मैक्सवेल कुछ बात करने लगा, तो उसके बाद डीआरएस मांगा। तो फाफ डु प्लेसी बाउंड्री लाइन से दौड़ के आए, तो उसके बाद पता चला डीआरएस में कि थोड़ा सा महीन सा हिस्सा केएल राहुल के बैट में लगा है। तो उसके बाद आरसीबी के खिलाड़ियों को कोई ठिकाने नहीं था, क्योंकि दोस्तों ये विकेट गेम चेंजिंग विकेट था। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।